जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है सैमुअल सांगमा और रोज सांगमा के बारे में। सीरियस कंडीशन में उनकी डेथ हुई है और जानेंगे कि क्या हुआ सैमुअल सांगमा के साथ। और मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूं कि गुड़गांव में की ये घटना है जहां पर सैमुअल सांगमा अपनी आंट को लेकर गए थे हॉस्पिटल। और जब उस हॉस्पिटल में उन्हें लेकर गए तो वहां पर कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने उनको आइसक्रीम खिलाई, जिसे खाने के बाद, क्योंकि देखिए आईसीयू में तो पानी भी अलाउड नहीं होता पेशेंट को देना और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल को क्यों ब्रेक किया गया, क्यों उन्हें आइसक्रीम दी गई, और क्योंकि शायद उनको बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी लो था उनका और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे किया गया। और सैमुअल सांगमा की वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई जिसमें उन्होंने इस चीज़ पर क्वेश्चन किया था, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी मिली, उनको हैंग पाए गए अपने फ्लैट अपने रूम में। तो यहाँ पर यही चीज़ जाननी है कि सैमुअल सांगमा के साथ क्या हुआ, क्या ये उनकी हत्या की गई या उन्होंने सुसाइड किया है, ये अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। लॉस्ट ऑफ मोशन प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद सैमुअल सांगमा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद सैमुअल सांगमा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद सैमुअल सांगमा, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड विद सैमुअल सांगमा, व्हाट हैपेंड विद सैमुअल सांगमा, what happened with Samuel Sangma, what happened with Samuel Sangma, what happened with Samuel Sangma, okay, and then there is the burning tower. All right, so let's see क्या हुआ था सैमुअल सांगमा के साथ। यहाँ पे हमें फूल्स कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि सैमुअल सांगमा आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन करने वाले थे, मतलब ये कि हॉस्पिटल के ऊपर। यहाँ पे अगर हम ये कार्ड देखें, इसमें आपको एक हार्ट दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ऑर्गन्स या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो होती है, कहीं ना कहीं इसको हाईलाइट करने वाले थे सैमुअल सांगमा, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पे जस्टिस के लिए वो फाइट कर रहे थे। इसमें एक चीज और हमें दिख रही है कि हमें यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि कुछ फाइनेंसेस से भी कनेक्टेड था। हो सकता है सैमुअल सांगमा को पैसे दे देने की कोशिश की गई उनको चुप करने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं उनको चुप करने की कोशिश की गई, उन्हें ऑफरिंग्स दी गई। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये पर्सन एक रोज ऑफर कर रहा है यहाँ पे एक किसी चीज को, दिस पर्सन इज ऑफरिंग दिस रोज, ऑफरिंग दिस। तो यहाँ मुझे जैसे कि मैंने रोज वर्ड यूज किया तो मुझे यहाँ पे लगता है जो रोज थी, यहाँ पे भी इस पर्सन के हाथ में एक फूल है, रोज है आप अगर देखें तो, और ये जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस जो है आप देखें ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, यहाँ इनकी आंखों पे पट्टी नहीं है, मतलब फैक्ट्स क्लियर हैं। यही हुआ था सैमुअल सांगमा के साथ। सैमुअल सांगमा को क्लियरली मालूम था कि इन लोगों ने क्या किया है, उसके पास फैक्ट्स थे और जो उसने वीडियो बनाई थी वो एक एविडेंस था, उसके अलावा भी उस पर कुछ एविडेंस जरूर होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ये लोग थे, इन्होंने रोज रोज का जो किया मर्डर किया रोज का, यहाँ पे रोज की कोई नेग्लिजेंस की वजह से डेथ नहीं हुई है जैसा कि मैं इस कार्ड में समझ रही हूँ। ये कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रैफिकिंग से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कार्ड जो आया है ये इस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये जो भी ये मिस्टीरियस चीज़ थी इसके बारे में शायद ज़्यादा अच्छे से मालूम चल गया था सैमुअल सांगमा को, और सैमुअल सांगमा ये जान चुके थे कि कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो बात थी ये अगर सैमुअल सांगमा आगे बता देते तो यहाँ पे एक यू नो बर्निंग टावर, यानी कि जो करंट अभी जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है तो उनके ऊपर तो बहुत प्रेशर पड़ता और ये बर्निंग टावर की तरह हो जाता, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। और ये क्योंकि सैमुअल सांगमा की एनर्जी थी और वो क्लियरली ये चीज बोल देते, वो किसी से डरते नहीं थे, वो बोल देते इस चीज को, और ये चीज जैसे ही सामने आती यहाँ पर उनकी इस बात के सामने आते ही काफी कुछ बदल सकता था। तो यहाँ पे ये क्लियर लग रहा है कि सैमुअल सांगमा जब यहाँ से निकले उन्होंने ये कह दिया था कि वो जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। उनकी उनके पेरेंट्स से भी बात हुई थी 25th की मॉर्निंग में और उन्होंने कहा था कि वो जस्टिस के लिए फाइट करेंगे, रोज को जस्टिस दिलाएंगे। और उसके बाद उसी दिन 25 तारीख को ही शाम तक दोपहर तक ये न्यूज़ आता है कि उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड है, और अगर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात सामने आ जाती, मुझे लगता है यहाँ सैमुअल सांगमा को
फाइनेंशियल गेन का भी लालच दिया गया, पैसे का भी लालच दिया गया, क्योंकि पेंटिकल्स है यहाँ पर तो पैसे का लालच दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे देखिए ब्लाइंड फोल्डर नहीं था, इसकी आंखों में पट्टी नहीं है, उसे फैक्ट्स दिख रहे थे, उसे मालूम था कि ये लोग गलत कराए इन लोगों ने, और यही कारण था उसने वो वीडियो बनाई और जो काफी लोगों ने देखी, वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखा कि क्या हुआ रोज के साथ। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि रोज को मारा गया है और सैमुअल सांगमा को भी मारा गया है। सैमुअल सांगमा जिस तरीके से उन्हें पाया गया, उनको मारने के बाद ही हैंग किया है। अगर आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे जैसे क्रूसिफिकेशन होता है, आप देखिए जैसे यहाँ पे ये क्रॉस है, तो ये कहीं ना कहीं उसी को दिखाता है कि सैमुअल सांगमा को मार के और फिर वो स्टेज किया गया, उसको एज अ हैंगिंग स्टेज किया गया, क्योंकि एरो है मूवमेंट, यानी कि सैमुअल सांगमा की बॉडी के आसपास काफी लोग मूव कर रहे थे और यहाँ दो लोग थे वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिला के ये तीन लोग थे, एक सैमुअल था और बाकी ये दो लोग जो थे ये मर्डरर्स थे जिन्होंने सैमुअल सांगमा को स्टेज करा है हैंगिंग को, उनकी उनको मारने के बाद इसको स्टेज किया है कि इट इज हैंगिंग। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि सैमुअल सांगमा को खरीदने की कोशिश की गई, फाइनेंशियल पैसे के लालच भी दिया गया है। जो भी वो पर्सन था उसने सैमुअल सांगमा को चुप रहने के लिए भी कहा, लेकिन सैमुअल सांगमा उसके लिए रेडी नहीं हुए क्योंकि वो जान गए थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गन ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी एंगल दिख रहा है। और ये जानते थे कि अगर सैमुअल सांगमा जो है उसने ये बात बता दी कि उसको खरीदने की कोशिश की जा रही है, उसको पैसे का लालच दिया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इससे जो बना हुआ उनकी जो पूरा हॉस्पिटल है उसमें फायर लग जाएगी, मतलब ये कि उनका हॉस्पिटल जो है वो एकदम जल के खाक हो जाएगा, उनको उनको लोग जो है वो उनको बॉयकॉट कर देंगे, या जो ये बर्निंग टावर आप देख रहे हो ये उनका हॉस्पिटल है वो पूरी तरह बर्न हो जाएगा। तो ये एक फियर था उन लोगों के मन में जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जो ये हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल के लोगों को डर था कि हॉस्पिटल बर्न हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा, और ये फिनिश हो जाएगा किसकी वजह से, इस पर्सन ने अगर मुंह खोल दिया, इसने बता दिया कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और यहाँ उसको चुप रहने के लिए यानी कि जस्टिस को मैनिपुलेट करने के लिए या जस्टिस को चेंज करने के या अपना डिसीजन उसके ऊपर डालने के लिए, यहाँ पे फेक सबूत रखने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए उनके अकॉर्डिंग कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे ये स्वॉर्ड्स, ये जो तो यहाँ पर ये आप देखें ये जो एरोज हैं ये इसके आसपास से जा रही हैं, तो दैट मीन्स कि मूवमेंट उसकी बॉडी के आसपास बहुत मूवमेंट थे, दो लोग थे जो मूव कर रहे थे जिन्होंने इस पूरे को हैंगिंग का एक रूप दे दिया। तो यहाँ पे ये डेथ जो हुई है सैमुअल सांगमा की, ये प्रॉपर वेल प्लान्ड मर्डर है। पहले ऑफरिंग दी गई, उसको पैसे का लालच दिया गया, पेंटिकल्स है यहाँ, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने उल्टा उन्हें ये कह दिया कि वो इनको आगे एक्सपोज करेगा, सबूत इनके खिलाफ जो है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी, उसने देखा है, एविडेंसेस उसे मालूम है, और वो इनको कोर्ट में शो करेगा। तो इन्होंने अपनी हॉस्पिटल को कि कहीं हमारा हॉस्पिटल खत्म ना हो जाए, तो सो दे मर्डर्ड हिम, जो दो लोग आए थे बातचीत करने के लिए आए थे, दे मर्डर्ड हिम, और उसके बाद उसको यहाँ पे हैंग किया है। देखिए उसकी बॉडी जो थी वो ऐसे स्टिल थी, लेकिन उसको हैंग किया है बाद में, क्योंकि ये एरोज आर मूविंग, दिस क्रॉस इज नॉट मूविंग, दिस इज स्टिल, लेकिन एरो मूव कर रही है, यानी कि जो दो लोग आसपास थे वो मूव कर रहे थे, उन्होंने उसको बॉडी को हैंग किया है, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा, एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर अगर रेवोल्यूशन हो गया, क्योंकि अगर इसने आगे जाके हमारे खिलाफ बोला तो हमारा तो हॉस्पिटल सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली यही हुआ है उनके साथ, एक उनका वेल प्लान मर्डर हुआ है। यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्लियर विजिबल है, और जो उनकी आंट की जो डेथ हुई रोज की, वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, लेकिन नेग्लिजेंस से भी ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग दिख रही है। हो सकता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जाल में इसको इनको फंसाना चाह रहे हों, इनको लाना चाह रहे हों, या उसमें इनको भी यूज़ करना चाह रहे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें ये कहा था कि रोज ठीक हो गई हैं और आप जल्दी ही उनको डिस्चार्ज कर देंगे, वो ठीक हो गई हैं। और ऐसा सुनने के बाद ही जो इनके जो अंकल थे वो फिर कुछ खाना खाने चले गए और इनको हॉस्पिटल ने सैमुअल सांगमा को दवाई लेने के लिए भेज दिया, मेडिसिन। और जब वो वापस आए तो वो देखते हैं कि वो उनको आइसक्रीम खिला रहे हैं, उनकी आंट को, रोज को। तो यहाँ पर जानबूझ करके इन दोनों को भेजा गया या हटाया गया जगह से,
और फिर क्या हुआ है रोज के साथ, हो सकता है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कुछ यहाँ पे करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इरादा हो इनका जो रोज को पता चल गया हो और उसको मार दिया गया हो, कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टीरियस चीज डेफिनेटली हॉस्पिटल के अंदर हुई है जिसको छुपाने के चक्कर में उन्होंने रोज को मार दिया, या रोज को ऐसा नेग्लिजेंस किया और उसके बाद सैमुअल को जब वो बात पता चल गई तो सैमुअल को भी मार दिया। तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल से इंक्वायरी होनी चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और वो हैंग किया गया है, वो खुद उसने फांसी नहीं लगाई है, क्योंकि जो एरोज आप देख रहे हैं ये मूवमेंट है, यहाँ पे दो लोग थे, टू पीपल वेर प्रेजेंट एट दैट टाइम, दो लोग थे जिन्होंने उन्हें हैंग किया है। तो यही चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी, एंड आई जस्ट होप कि इनको जस्टिस मिले, जो भी गलत हुआ है इनके साथ सब वॉइस आउट करो। ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट की बात है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले ही बोलेंगे, पूरे इंडिया को एक होना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए। जैसे SSR के लिए सबने एक साथ आवाज उठाई है, वैसे ही इनके लिए भी आवाज उठाइए, जस्टिस के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, जय श्री राम, जय भारत।